अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक कैरियर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, कैरियर से हूँ। और सुनाए क्या हो रहा है आजकल, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियत है? तो मैं इस टाइम बोर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ, आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ। पहले तो ये है कि जो जो मेरी वीडियो इस टाइम देखेगा उसने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स में कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल तो आपसे ये हो गया। अच्छा, ये अब नाइट के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीरम बिल्कुल ही जैसे होता है ना, एंड हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बहुत अच्छा नाइट सीरम है एम के कॉस्मेटिक्स का, बहुत अच्छा, और इसको मैंने यूज़ किया है तो बहुत अच्छा ये सीरम है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और ये स्किन को बहुत अच्छा ग्लो करता है, ब्राइट करता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला जो इनका सीरम है ना, ये मैंने दो बार इस्तेमाल किया है, अभी नाइट में तो नहीं, डे में। जैसे अगर आप किसी के घर जा रहे हैं या रूटीन में जैसे हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं तो इसको मैंने वैसे यूज़ किया। विटामिन सी सीरम है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। ठीक है, और ये वाला भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा। इसको आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी। इसमें इन्होंने बताया भी है कि आप इसे दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो इसका रिव्यू होगा ना, जो सही से इसकी टू टाइम्स मॉर्निंग एंड नाइट जो बाकी इसका रिव्यू होगा ना, वो फिर मैं आपको बाद में दूंगी। अभी मैंने इसको फुल नहीं यूज़ किया, अभी तो मैंने वो जो नाइट सीरम है एम के कॉस्मेटिक्स का, तो वो मैंने अभी यूज़ किया है। तो इसका तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा है। और मैंने ये एंटी एजिंग क्रीम ली है, तो अभी ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। ये नाइट क्रीम है, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है नाइट, तो जब मैं ये यूज़ करूँगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। इसको बिल्कुल एंड करने के चक्कर में ख़त्म तो हो चुकी है और थोड़ी सी रह गई है। बस बोर हो रही थी तो सोचा मैं कोई वीडियो बना लेती हूँ। बस ऐसे ही जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, मोबाइल इंटरनेट सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता कौन क्या कर रहा है। बस हर किसी, कोई टिकटॉक बना रहा है तो कोई यूट्यूब पे बना रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टा यूज़ कर रहा है। जो आपके पास लोग बैठे होते हैं उनकी किसी को कोई कदर नहीं होती। इवन के जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं, पाकिस्तान से या अपने रिश्तेदारों से, शहर से दूर, घर से दूर, उनके पास भी टाइम नहीं होता कि वो बात कर सकें, या हमारे पास भी टाइम नहीं होता कि हम उनको कॉल कर सकें। ये बात ठीक है कि हमें मोबाइल यूज़ करना चाहिए, नेट का इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन इस बात की भी बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए। खाली व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से हमारा प्यार नहीं बढ़ता। एक फ़ोन कॉल से अगर हम किसी से पूछ लेते हैं आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बस इतना भी पूछ लें तो एक बहुत बड़ी बात होती है, एक अच्छी बात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। जब से ये मोबाइल आए हैं किसी को किसी की कोई ख़बर नहीं है। अगर पांच लोग एक साथ भी बैठे होंगे तो सब पांच के पांच ने मोबाइल उठाए होंगे, पांच के पांच व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, मतलब किसी भी नेट, कोई भी सोशल जैसे होता है चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की क्या मसरूफियत है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने प्यारों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली जो लोग मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, आप उनको फ़ोन करें, भले आप उनसे एक मिनट बात करें, भले आप उनको एक मैसेज करें, आप ठीक हैं, आपने खाना खाया है, उनके लिए इतना ही बहुत होता है कि कोई उनसे इतना भी पूछ रहा है कि उन्होंने खाना खाया है, ये उनकी कोई किसी को फिक्र है। आजकल बच्चे भी हैं मोबाइल पे, बड़े भी मोबाइल पे, ठीक है होना चाहिए, लेकिन उससे ज़रूरी ये भी है कि आपको एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आपको मुझे बताते नहीं हैं आप लोग भी मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक तो कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे बहुत खुशी होती है, ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है जो हमें मिलता है, गिफ्ट होता है जो हम कबूल करते हैं, एक खूबसूरत सा गिफ्ट। तो एक लाइक करने से, एक खूबसूरत सा तोहफा देने से आपका क्या चला जाता है। वैसे भी तो आप वीडियो देख ही रहते हैं, इतनी वीडियोज़ लाइक करते हैं, हमारी वीडियो को भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो
दो। आपका बहुत शुक्रिया होगा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बस मेरा भी थोड़ा सा दिल उदास हो रहा था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे गुफ्तगू कर लूँ। तो आपने मुझे लास्ट में बताना है आपको मेरी गुफ्तगू कैसी लगी है। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे बताना है, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग्स भी बनाया करूँगी, ठीक है। और लाजमी आपने मुझे आंसर देना है कि आप अपने प्यारों के लिए कितना टाइम निकालते हैं, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।